हुकूमत का आवाम को झटके पे झटका, बिजली 1.46 रुपये मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने इजाफा जुलाई की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवामा के बिलों पर होगा। महंगाई के सताए आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफे पर आवाम फट पड़े, कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है, पहले बिल अदा नहीं किए, हुकूमत ने फिर बिजली महंगी कर दी। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम पर कुछ रहम करे। इन्होंने टिपिकली इन 2 माह के अंदर बिजली की कीमतों में पे दर पे इजाफा किया है, डबल से डबल करी जा रहे हैं। घर का एक पंखा चलता है और एसी तो बिल्कुल भी है ही नहीं ना, जितनी ज़्यादा महंगाई हुई हुई है। और तोबा तोबा तोबा, और इन्होंने 1.5 लाख का बिल भेज दिया है। लोगों के जो रोज़गार है, लोगों के जो माश है, उन पर बहुत फ़र्क पड़ा है। लोग जो है पहले उनका जो चूल्हा किसी न किसी तरीके से चलता था, अब लेकिन जो चलता हुआ चूल्हा है वो भी अब बंद हो गया। कुंडा माफिया का सिरे से खात्मा, बिजली चोरों के खिलाफ फैसको का शिकंजा सख्त। 2 रोज में 528 बिजली चोर पकड़े गए, 6.87 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। बिजली चोरों को पकड़ने के लिए जिला इंतजामिया भी मुतहरिक। रिकवरी के लिए रेवेन्यू अफसरान को इजाफी इख्तियार देने का फैसला। इंतजामिया लेस्को के क्रैकडाउन का भरपूर साथ देगी। एक्शन प्लान के मुताबिक फौरी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। डॉलर, सोना और चीनी सस्ती हो गई, मगर आटा फी किलो 2.5 रुपये महंगा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये बढ़ गया। तनूर मालिकान भी रोटी की कीमत में इजाफे के लिए पर तोलने लगे। मुल्क में महंगाई के आफ्टर शॉक से एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। हफ्ते में चीनी की औसतन कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ। टमाटर, दाल, मसूर, लहसुन, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, दाल, मूंग और गुड़ भी महंगा हुआ। मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से बाहर, 8 रुपये महंगा होकर 542 रुपये में फरोख्त। अंडे 303 रुपये दर्जन हो गए। शहरियों का आला हुकाम से महंगाई में कमी का मुतालबा। मुनाफा खोरों ने सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए। फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अदरक, लहसुन और टमाटर की खरीदारी गरीब के लिए इम्तिहान बन गई। अंगूर, अनार और पपीता खाना भी ख्वाब बन गया। सट्टेबाजों को जान के लाले पड़ गए। अमरीकी करेंसी आसमान से जमीन पर आ गिरी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2.94 रुपये सस्ता 302 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता 304 रुपये पर ट्रेड हुआ। डॉलर को लगाम डालने से चीजें सस्ती होने लगी। मार्केट में चीनी 10 से 15 रुपए सस्ती 170 से 175 रुपए फी किलो में दस्तयाब। होलसेल कीमत 168 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। 50 किलो का थैला 8400 रुपए में फरोख्त। सिपा सलार मईशत की कमर सीधी करने के लिए पुरअज़्म हैं। डॉलर, सोना, चीनी की कीमतों में कमी सबूत है। सेक्रेटरी इतलात IPP फरदोस आशिक एवान का इक्तसादी सूरतेहाल पर तबसरा। कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिपा सलार के विजन को सताइशी निगाह से देखती है। पुलिस तहवील में लिया गया चोरी और डकैती का माल। चोरों नशेयों के हत्थे चढ़ गया। करोड़ों रुपए की मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर नशेई हाथ साफ करने लगे। तगिया में पुलिस बैतल माल में सिक्योरिटी ना होने के बराबर चोरों और नशेयों की चांदी हो गई। शहर चोरों और डाकुओं के निरखे में वारदात में होशरुबा इजाफा। मुगलपुरा में डाकुओं ने लेबोरेटरी लूट ली। मास्क पहनकर डाकू की पिस्तौल दिखाकर लूटमार। CCTV फुटेज मंसरेआम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक और बच्चा डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की भेंट चढ़ गया। ENT सर्जन डॉक्टर रिजवानुल्लाह चट्ठा की गफलत। टॉन्सिल्स के मामूली ऑपरेशन के दौरान 6 साल का बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया।
पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने मेडिकल सेंटर पर छापा मारकर नाकाफी सहूलियात पर अस्पताल को सील कर दिया। शहर में डेंगू ने वार तेज कर दिए। मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा। 24 घंटे में 34 नए मरीज सामने आ गए। 53 मरीज मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में सिरे इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की मुबीन गफलत, हजारों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। एक साल से अस्पताल में PCR टेस्ट की सहूलत ही मौजूद नहीं। हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग ना होने से मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हॉस्पिटल से बच्चों के अगवा के वाकयात पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। शहर के 22 सरकारी हॉस्पिटल के कैमरे सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त दे दी गई। हॉस्पिटल में नस्ब 2300 कैमरों की अब कड़ी निगरानी होगी। माले मुफ्त दिल बेरहम, सरकारी गाड़ी बच्चों के हवाले। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी का गैर कानूनी इस्तेमाल। कम उम्र बच्चे की गाड़ी सड़क पर चलाने की वीडियो मंजरियां पर आ गई। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशा बीबी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। एंटी करप्शन ने पैसे लेकर तकर्रो तबादले के केस की तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया। बुशा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका का नाम आने के बाद तफ्तीश में नया रुख। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि फराह गोगी और इब्राहिम मानिका के पसे पर्दा बुशरा बीबी हो सकती हैं। IG सेक्रेटरी दाखला और IG जेल को शोकाज नोटिस। चौधरी परवेज इलाही के वकला पेश न हुए। जुर्माने और शोकाज नोटिस पर अमल दरामद मुअत्तल करने के हुक्म में तौसी। अदालत ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जजिस को बिला सूद 36 करोड़ के कर्जों का फैसला। हाईकोर्ट में चैलेंज। मौकफ इख्तियार किया गया कि बिला सूद कर्ज फराहम करना गैर कानूनी इकदाम है। जजिस पहले ही बेशुमार मराफ हासिल कर रहे हैं। इकदाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। 9 मई के जलाओ घेराओ और तोड़फोड़ के केसेस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया। इश्तिहारी करार दिए जाने वालों की जायदाद जब्त करने की इजाजत मांग ली। DIG इन्वेस्टिगेशन के खत की कॉपी लाहौर रंग में हासिल कर ली। इंस्पेक्टर मजहर इकबाल का मंशियात फरोशों के सहूलतकार होने का केस। लाहौर रंग ने SSP एडमन के नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली। नारकोटिक्स यूनिट को CIA की कमांड में दे दिया गया था। मजहर इकबाल ने मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद की थी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब की खुली कचहरी। डॉक्टर उस्मान एलवन ने बुजुर्ग और माजूर शहरियों के मसाइल सुने। दरख्वास्तों पर फौरी अजाले के अहकाम जारी किए। शहरियों और मुलाजमीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। बच्चों को माजूरी से बचाएं, पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। शहर में 4 रोज के दौरान 1,67,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। कल से मुहिम कैचअप मरहले में दाखिल होगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम शहदरा में थैलेसीमिया से मुतासर 2 बच्चों के घर पहुंच गए। महविश और आदिल के मुकम्मल इलाज के खराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। वालदा ने वजीर आला से तिबी इमदाद की दरख्वास्त की थी। मेरा प्यारा ऐप टीम की एक और बड़ी कामयाबी। दयार गैर से लापता होने वाली लड़की को अपनों से मिलवा दिया। 30 सैला मरसला को नौकरी का झांसा देकर खातून शेरा को छोड़कर फरार हो गई थी।
गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एलडीए का ग्रैंड ऑपरेशन, 23 से ज्यादा इमलाक को सील कर दिया। जौहर टाउन, वाबडा टाउन और पीआईए सोसाइटी में ऑपरेशन किया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुगलपुरा का दौरा। एहसान भुट्टा की महकमे से स्पेशल एजुकेशन के असातिज़ा से बातचीत। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने तलबा की क्लासेस का भी जायजा लिया। शोबा तालीम के मसाइल कम करने का आज़म, खानदगी का आलमी दिन। पाकिस्तान में शरह खानदगी 58.13% है। गवर्नर पंजाब ने कहा, तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी बोले, इस्लाम तालीम याफ्ता माशरे पर बहुत जोर देता है। लाहौर हाई कोर्ट डिवीजन के 10 थिएटर्स खोलने का हुक्म। नास थिएटर, महफिल, सितारा, विरसा, संगम, गुलस्तान, रावी और नगीना थिएटर को खोला जाएगा। थिएटर्स को फहाश डांस और बेहुदा स्क्रिप्ट की वजह से सील किया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान, एक पाकिस्तानी अंपायर भी शामिल। 16 रुकनी पैनल में एहसन रजा जगह बनाने में कामयाब। एलीट पैनल से दस्तबरदार होने वाले अलीम डार वर्ल्ड कप ऑफिशियल्स में शामिल नहीं। पाकिस्तान का तेज तरीन एथलीट कौन? पंजाब हुकूमत का मुकाबला कराने का ऐलान। मशीर खेल वहाब ब्यास की तेज तरीन एथलीट शजर अब्बास से मुलाकात। मशीर खेल कहते हैं, एथलीट मुकाबले में शिरकत कर सकेंगे। और शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। टाउनशिप जौहर टाउन, कोट लखपत, फिरोजपुर में अप्रैल अहमद परसी, जेल रोड, गार्डन टाउन और मुस्लिम टाउन में भी बारिश हुई।